पूरी पकौड़ा। मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ तो इसलिए मेरी आप लोगों से काइंडली गुजारिश है कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसके लिए 1.5 किलो के ऊपर दही लिया है और ये 2 अदर टमाटर, हरी मिर्चें, नींबू और 1 बड़े साइज़ का प्याज हमने काट लिया है और कुछ लहसुन के पीस, ठीक है ना। और हमने 1 बड़ा चम्मच इसके लिए बेसन लिया है और अब हम इसे स्टार्ट करेंगे बनाना। ये हमने गैस ऑन कर लिया है और इसमें ऑयल डाला है और प्याज। अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जब जो अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा फिर इसमें हम लहसुन पीस के ऐड करेंगे। देखिए लहसुन आपको पता नज़र आ रहा होगा, ये पड़ा है साफ किया हुआ। जैसा कि आप सबको पता है गैस बहुत कम आ रही है, सिटी में यही इशू है गैस का। देखो हमारा प्याज अभी बहुत लाइट ब्राउन हुआ है। हमने देर में बेसन पानी मैंने ग्राइंड किया और टमाटर और गार्लिक को भी, लहसुन को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है और दही की मैंने लस्सी बना के रख ली है ग्राइंड। और साथ ही हमने पकौड़ों के भी कुछ सामान तैयार करने लगे हैं। ये पालक है, प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, ठीक है ना। जब तक हमारी कढ़ी तैयार होती है हम उतनी देर में पकौड़ों का सामान काट देते हैं। ये देखिए ये हमने पकौड़ों का सामान करा हुआ है, इसके बाद कटिंग करेंगे। इसलिए अब हम दाल लगा रहे हैं 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मोटी पीछे भी दाल में रुपया और 1 चम्मच रुपया और 1 चम्मच। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हमने प्याज में ऐड कर दिया है, साथ में मटर जो हमने ग्राम किए थे बकरी के साथ डाल दिए हैं। अब इसे हम पका फ्राई कर साथ में और टमाटर और मछली के अच्छी तरह जब फ्राई हो जाए तो फिर आप इसमें हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। ये देखिए बेसन पानी बेसन है जो मेरा पानी में इसको हम इसे कड़ी इस मिक्सर में ऐड करेंगे। ये देखो हमने इसको छाना भी है बेसन को, ठीक है ना। सारा बेसन ये देखो ये जा रहा है कड़ी में जो मैंने पानी में ग्राइंड किया था। आप चाहे तो इसमें लस्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, कुछ लोग करते हैं लस्सी में ग्राइंड, लेकिन ज़ाहिर हर किसी का अपना तरीका होता है खाना बनाने का। और मेरा तरीका ये है कि मैं इसको पानी में ग्राइंड करती हूँ। ये देखो गैस की स्पीड कितनी कम है, बहुत मुश्किल से और स्लोली हमारी कढ़ी तैयार हो रही है। चलो कोई बात नहीं, बन जाएगी। आज के दिन में हमने बेसन डाल दिया है, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। जब अच्छी तरह इसको भून जाएंगे फिर हम इसमें दही की जो बनी हुई थी लस्सी वो ऐड करेंगे। वो भी आप इस छानने की मदद से छान लीजिएगा, फिर इसमें ऐड करना ताकि कोई मसला ना बन जाए बाद में। चलो अब हम हमारा बेसन थोड़ा सा भून चुका है, अब हम इसमें लस्सी ऐड करते हैं जो हमने दही की तैयार की थी। ये देखो व्यूअर्स हमने लस्सी ऐड कर दी है, हमने इसको पहले छानना है, इस छानने से फिर हमने इसके अंदर लस्सी डाल दी है, ठीक है ना। ये देखो आपको वाइट वाइट सी लग रही होगी इसकी लुक। अभी इसको पकना है और ठीक है ना, जब इसकी फाइनल लुक तो तैयार हो जाएगी तब मैं आपको एक दफ़ा कैमरे के सामने लेके जाऊंगी ताकि आप देख सकें इसकी फाइनल लुक क्या बने, ठीक है ना। जब तक हमारी कढ़ी तैयार होती है हम उतनी देर में पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम हमने बाउल रखा है पकौड़ों के लिए, इसमें हम जो तमाम सब्जियाँ कट करेंगे, आलू हो गया, पालक भी नज़र आ रही होगी आपको यहाँ पे, और टमाटर, हरी मिर्चें,
आप चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। बाद में पकौड़े में बहुत कुछ ऐड करते हैं, जो घर में अवेलेबल था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। फिलहाल अभी मैं इनको कट करूँगी और एक मज़ेदार से पकौड़े बनाऊँगी। ये देखो गर्मी करीबन हमारे चार महीने वाली है, आप नमक और मैं करेंगे उसके साथ खा सकते हैं। ये देखो गैस को जल दिया है, उसे गैसा है तो उसमें भिजवा करके हलाद है, गैस को कमी आ रही है। काफ़ी हम तड़का बना रहे हैं, पहले ही तड़का में होता है, आपने भी बनाया बहुत चक्के वाली कड़ी है ये, आप ट्राई कीजिएगा। हमने दो चम्मच इसकी भी लिया, उसमें जीरा डाला है, नमक कम मिर्चा लिए। जब हमारा तड़का रेडी हो गया वो हमने कड़ी में ऐड कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और ये हमारी कड़ी अब पक चुकी है, अब उसके बस 5-10 मिनट के लिए आप थोड़ा सा और पका लें। और यहाँ पर हमारे पकौड़े बन रहे हैं, बहुत टाइम लिया है हमारी कड़ी ने और ये इसकी फाइनल लुक है। देखिए आपको कैसी लग रही है, आप प्लीज़ हम मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट अच्छा से मुझे बताइएगा। जजाक अल्लाह।